क्या आप कभी सार्वजनिक स्थानों पर शर्मिंदा होने से बच सकेंगे? क्या कभी ऐसा होगा कि मीटिंग में, ऑफिस में आपको अपने कलीग्स के सामने हंसी का पात्र नहीं बनना पड़ेगा? क्या कभी ऐसा हो सकेगा कि आपके मित्र, परिवारजन आपकी इस बेहुदा आदत का मजाक नहीं बनाएंगे? अब तक आप सोचते हैं कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब आप इस गुप्तांगों की खुजली की आदत से छुटकारा पा सकेंगे, लेकिन अब चिंता छोड़ दें। अब आप भी सिर ऊंचा कर सम्मान से परिवार, मित्रों, ऑफिस कलीग्स के सामने और पब्लिक प्लेसेस में शान से जी सकेंगे, क्योंकि हम लेकर के आए हैं इस शर्मिंदा कर देने वाली गुप्तांगों की खुजली का परमानेंट इलाज, डर्मा जड़ी। जी हाँ, डर्मा जड़ी ही एकमात्र विकल्प है आपकी बेहुदा आदत से मुक्ति दिलाने का। कैसी भी खुजली, कैसा भी दाद हो, डर्मा जड़ी इसे जड़ से समाप्त कर आपको देती है एक स्वस्थ और स्मूथ त्वचा। डर्मा जड़ी सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर आपकी स्किन को स्मूथ बनाने वाली वो औषधि है जिसका निर्माण संस्थान के उच्च शिक्षित आयुर्वेदाचार्यों ने वर्षों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद किया है। आयुर्वेद की 21 विशिष्ट जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनी ये डर्मा जड़ी औषधि किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को जड़ से मिटा देती है और आपके चेहरे की खो चुकी हंसी फिर से लौटा लाती है। फंगल इन्फेक्शन दरअसल कई प्रकार के होते हैं, टीनिया वर्सिकॉलर, जॉक एच, टीनिया पेडिस, रिंगवर्म, टीनिया कैपिटिस और ओनिकोमाइकोसिस। नॉर्मली जब इन फंगल इन्फेक्शन का इलाज कराना होता है तो हम रासायनिक इलाज यानी केमिकल्स की ओर देखने लगते हैं, लेकिन शायद आपको पता ना हो कि केमिकल से किया गया इलाज आपके लिए एक शारीरिक तकलीफ से गुजरने वाला प्रोसेस है। इस तरह की मुश्किल प्रोसेस को देखते हुए हमारे संस्थान ने एक ऐसा आसान फॉर्मूला तैयार किया है जिसे एक ही औषधि से सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन का इलाज हो जाता है और उस औषधि को हमने नाम दिया है डर्मा जड़ी। मैं तो सोचती थी कि मुझे जो खुजली पेट और थाइस के बीच के हिस्से में हो रही है वो ऐसे ही मौसमी है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। इनको भी बताया मैंने तो इन्होंने मुझे नॉर्मल सी क्रीम वगैरह लाकर दे दिया था, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि खुजली और बढ़ गई और धीरे धीरे घाव का रूप लेने लगी। वो तो डॉक्टर को दिखलाने पर मुझे पता चला कि मुझे जो कीच नाम का एक फंगल इन्फेक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने उस हिस्से को ज्यादा से ज्यादा सूखा रखना होगा। इतनी परेशान हो गई थी मैं इस इन्फेक्शन और इस खुजली से कि कभी कभी लगता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊं। लेकिन जब टीवी पर मैंने डर्मा जड़ी के बारे में देखा और ठीक हुए मरीजों के अनुभव जाने, तब मुझे लगा कि ये चीज मेरी जिंदगी बदल सकती है। इसके इस्तेमाल के सिर्फ 15 दिनों में मैं जो कीच से मुक्त हो चुकी थी और आज करीब 1 साल होने को आया है और मुझे फिर से जो कीच नहीं हुआ। ये जो जॉक एच नाम का फंगल इन्फेक्शन है ये सबसे आम है और यही अक्सर आपके लिए शर्मिंदगी का कारण भी साबित होता आया है। गुप्तांगों और जांघों के बीच पनपने वाला यह इन्फेक्शन जब भी खुजली में परिवर्तित होता है तो आपका हाथ बार बार आपके गुप्तांगों की तरफ जाता है और अक्सर देखने में आया है कि लोगों के बीच जब आप उसे खुजलाते हैं तो शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं और फिर आप उनके बीच हंसी और मजाक का पात्र बन जाते हैं। तब आप खुद को मॉरली डाउन महसूस करते हैं और फिर आपके व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में एक कमी सी आने लगती है जो समय के साथ बढ़ती ही जाती है। इसीलिए हमारे संस्थान के प्रशिक्षित और विद्वान वेदाचार्यों की खोज डर्मा जड़ी इस खुजली, इस इन्फेक्शन को खत्म करने में बेहतरीन तरीके से काम करती है और बीमारी को जड़ से समाप्त कर आपका जीवन सुखमय बना देती है। आज से 3 महीने पहले मेरी पीठ पर व्हाइट स्पॉट्स हो गए थे। मैंने तुरंत अपने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से परामर्श किया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये टीनिया वर्सिकॉलर नाम का फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपकी ऑयली स्किन की वजह से हुआ है। तो जो भी मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं, जब भी आपको पैचेस नजर आए इनका इस्तेमाल करें। मैं इसका टेम्प्रेरी इलाज नहीं चाहता था। मेरे पड़ोसी हैं रमाकांत जी, फुटबॉल कोच थे। जब उनको मेरी इस परेशानी का पता चला तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं तुम डर्मा जड़ी का उपयोग करके देखते हो। जब मैंने इसे मंगाकर इसका उपयोग करना शुरू किया तो मैंने देखा कुछ ही दिनों में मेरे व्हाइट स्पॉट्स गायब हो गए। आज पूरा 1 महीना हो गया, मुझे वो दोबारा फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ, जबकि मेरी स्किन आज भी ऑयली है। अगर आप पब्लिक प्लेसेस में शर्मिंदा होने से बचना चाहते हैं, अगर आप परिवार और मित्रों के बीच सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, तो आज ही डर्मा जड़ी अपनाकर अपनी गुप्तांगों की खुजली को जड़ से समाप्त कीजिए और छुटकारा पाइए अपनी उस बेहुदा आदत से जो पब्लिक प्लेसेस, मित्रों, परिवार और ऑफिस में आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बनती जा रही है। डर्मा जड़ी, इसकी कीमत है 1490 रुपए और आपको कुरियर द्वारा भेजने की राशि है 290 रुपए जो अलग से ली जाती है। तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर अभी कॉल करके डर्मा जड़ी का अपना ऑर्डर बुक करें। हमारे शरीर में ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होते हैं,
सबसे पहला कारण ह्यूमिड एनवायरनमेंट। बरसात के मौसम में अक्सर फंगल इन्फेक्शन देखने में आता है। शरीर गीला रहने से आपको फंगल इन्फेक्शन झट पकड़ लेता है। दूसरा कारण है ओबेसिटी यानी मोटापा। जहाँ जहाँ चर्बी के पोर्स होते हैं वहाँ पसीना अधिक आता है और पसीना आने की वजह से वो एरिया बहुत समय तक गीला रहता है और नतीजा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा कारण है जूनोटिक रीजन। हमारे ये पालतू जानवर पानी मिट्टी कहीं भी खेलते कूदते हैं, फिर हम उन्हें उसी गंदगी के साथ गले भी लगा लेते हैं। इस तरह पालतू जानवरों का फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में आ जाता है और हमें इन्फेक्ट कर देता है। चौथा कारण है पर्सनल हाइजीन ना रखना। पसीना ज्यादा आए तो आप शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, जूते टाइट पहनते हैं, मोजे यानी जुराबों के अंदर पसीना आता है, कपड़े बिना धोए कई कई दिनों तक पहनते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन आपकी आर्मपिट यानी बगलों में, हाथ पैरों की उंगलियों में, सर के स्किन में पनप जाता है। पांचवा कारण जो देखने में आया है वो है कम्युनिटी सेंटर्स, जैसे क्लब हाउस, पब्लिक स्विमिंग पूल, सौना। यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो ये इन्फेक्शन जन्म ले लेता है और वहीं से आपके शरीर में आ जाता है। इसके अलावा अगर खाने पीने के पदार्थ जिनमें इन्फेक्शन पहले से पनपा हुआ है और वो आपने खा पी लिया तो आपको इन्फेक्टेड होना निश्चित ही है। अगर आप पब्लिक प्लेसेस में शर्मिंदा होने से बचना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस कलीग्स की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप परिवार और मित्रों के बीच सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, तो आज ही डर्मा जड़ी अपनाकर अपनी गुप्तांगों की खुजली को जड़ से समाप्त कीजिए और छुटकारा पाइए अपनी उस बेहुदा आदत से जो पब्लिक प्लेसेस, मित्रों, परिवार और ऑफिस में आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बनती जा रही है। बचपन से ही दौड़ने का जज्बा रहा है और हमेशा अव्वल आने का भी, लेकिन एक साल पहले जब मैं स्टेट चैंपियनशिप की प्रिपरेशन कर रहा था, सारी फिटनेस होने के बाद भी, सारा स्टैमिना होने के बाद भी मैं एक चीज से मात खा रहा था और वो था मेरे पैरों की उंगलियों के बीच फंगल इन्फेक्शन का हो जाना। दौड़ के 10 दिन पहले ये नजर में आया और 2 दिन में बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ गया था। इसके कारण मुझे रनिंग में बहुत ही हर्डल्स आने लगे। मैंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये फंगस बहुत बढ़ चुका है, उससे उभर कर मुझे खेल में लौटने में करीबन 1 महीना लग जाएगा। लेकिन चैंपियनशिप तो 1 हफ्ते बाद ही थी, ये पक्का हो चुका था कि चैंपियनशिप तो मेरे हाथ से गए। लेकिन दिव्य ऋषि संस्थान में काम करने वाले मेरे भाभी के चाचा जी ने मुझे डर्मा जड़ी के बारे में बताया और उसी दिन लाकर भी दिया। 2 दिन में इन्फेक्शन कम होने लगा और 4th दिन तो मैं स्टेडियम में था। मैंने चैंपियनशिप में हिस्सा भी लिया और चैंपियन बना भी। ये जो जॉक इच नाम का फंगल इन्फेक्शन है, ये सबसे आम है और यही अक्सर आपके लिए शर्मिंदगी का कारण भी साबित होता आया है। गुप्तांगों और जांघों के बीच पनपने वाला यह इन्फेक्शन जब भी खुजली में परिवर्तित होता है तो आपका हाथ बार बार आपके गुप्तांगों की तरफ जाता है और अक्सर देखने में आया है कि लोगों के बीच जब आप उसे खुजलाते हैं तो शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं और फिर आप उनके बीच हंसी और मजाक का पात्र बन जाते हैं। तब आप खुद को मॉरली डाउन महसूस करते हैं और फिर आपके व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में एक कमी सी आने लगती है जो समय के साथ बढ़ती ही जाती है। इसीलिए हमारे संस्थान के प्रशिक्षित और विद्वान वेदाचार्यों की खोज डर्मा जड़ी इस खुजली, इस इन्फेक्शन को खत्म करने में बेहतरीन तरीके से काम करती है और बीमारी को जड़ से समाप्त कर आपका जीवन सुखमय बना देती है। इस उम्र में हम सब स्मार्ट बनना चाहते हैं, हैंडसम दिखना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ। टीनिया कैपिटिस नाम का फंगल इन्फेक्शन हो गया था मुझे। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी लेकिन पूरी तरीके से ठीक होने का समय बताया 3 महीने। मैंने सोशल मीडिया पर जाकर सर्च करना शुरू किया, तभी मेरी नजर डर्मा जड़ी के यूजर्स पर पड़ी। जब मैंने उनके एक्सपीरियंसेस पढ़े तो मुझे लगा कि ये ट्रीटमेंट मेरी मदद कर सकता है। मैंने ऑर्डर किया और यूज करना शुरू किया और 1 हफ्ते में मेरा इन्फेक्शन गायब और अब मैं अपनी सोशल लाइफ काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि डर्मा जड़ी है मेरे साथ। अगर आप पब्लिक प्लेसेस में शर्मिंदा होने से बचना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस कलीग्स की हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप परिवार और मित्रों के बीच सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, तो आज ही डर्मा जड़ी अपनाकर अपनी गुप्तांगों की खुजली को जड़ से समाप्त कीजिए और छुटकारा पाइए अपनी उस बेहुदा आदत से जो पब्लिक प्लेसेस, मित्रों, परिवार और ऑफिस में आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बनती जा रही है। डर्मा जड़ी, इस आयुर्वेदिक औषधि में शामिल है 2 बोतल जेल और 60 गोलियों का एक पैक। हर सुबह नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल खाएं और रोज रात को सोने से पहले इन्फेक्टेड जगह पर इस जेल का लेप करें। डर्मा जड़ी, इसकी कीमत है 1490 रुपए और आपको कुरियर द्वारा भेजने की राशि है 290 रुपए जो अलग से ली जाती है। तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर अभी कॉल करके डर्मा जड़ी का अपना ऑर्डर बुक करें। डर्मा जड़ी आज ही अपनाएं और साफ सुंदर फंगस रहित त्वचा फिर से पाएं।
हमारे शरीर में ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होते हैं? सबसे पहला कारण ह्यूमिड एनवायरनमेंट। बरसात के मौसम में अक्सर फंगल इन्फेक्शन देखने में आता है। शरीर गीला रहने से आपको फंगल इन्फेक्शन झट पकड़ लेता है। दूसरा कारण है ओबेसिटी यानी मोटापा। जहाँ जहाँ चर्बी के पोर्स होते हैं वहाँ पसीना अधिक आता है और पसीना आने की वजह से वो एरिया बहुत समय तक गीला रहता है और नतीजा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा कारण है जूनोटिक रीजन। हमारे ये पालतू जानवर पानी मिट्टी कहीं भी खेलते कूदते हैं, फिर हम उन्हें उसी गंदगी के साथ गले भी लगा लेते हैं। इस तरह पालतू जानवरों का फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में आ जाता है और हमें इन्फेक्ट कर देता है। चौथा कारण है पर्सनल हाइजीन ना रखना। पसीना ज्यादा आए तो आप शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, जूते टाइट पहनते हैं, मोजे यानी जुराबों के अंदर पसीना आता है, कपड़े बिना धोए कई कई दिनों तक पहनते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन आपकी आर्मपिट यानी बगलों में, हाथ पैरों की उंगलियों में, सर की स्किन में पनप जाता है। पांचवा कारण जो देखने में आया है वो है कम्युनिटी सेंटर्स, जैसे क्लब हाउस, पब्लिक स्विमिंग पूल, सौना। यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो ये इन्फेक्शन जन्म ले लेता है और वहीं से आपके शरीर में आ जाता है। इसके अलावा अगर खाने पीने के पदार्थ जिनमें इन्फेक्शन पहले से पनपा हुआ है और वो आपने खा पी लिया तो आपको इन्फेक्टेड होना निश्चित ही है। क्या आप कभी सार्वजनिक स्थानों पर शर्मिंदा होने से बच सकेंगे? क्या कभी ऐसा होगा कि मीटिंग में, ऑफिस में आपको अपने कलीग्स के सामने हंसी का पात्र नहीं बनना पड़ेगा? क्या कभी ऐसा हो सकेगा कि आपके मित्र परिवारजन आपकी इस बेहुदा आदत का मजाक नहीं बनाएंगे? अब तक आप सोचते हैं कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब आप इस गुप्तांगों की खुजली की आदत से छुटकारा पा सकेंगे, लेकिन अब चिंता छोड़ दें। अब आप भी सिर ऊंचा कर सम्मान से परिवार, मित्रों, ऑफिस कलीग्स के सामने और पब्लिक प्लेसेस में शान से जी सकेंगे, क्योंकि हम लेकर के आए हैं इस शर्मिंदा कर देने वाली गुप्तांगों की खुजली का परमानेंट इलाज, डर्मा जड़ी। जी हाँ, डर्मा जड़ी ही एकमात्र विकल्प है आपकी बेहुदा आदत से मुक्ति दिलाने का। कैसी भी खुजली, कैसा भी दाद हो, डर्मा जड़ी इसे जड़ से समाप्त कर आपको देती है एक स्वस्थ और स्मूथ त्वचा। डर्मा जड़ी सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर आपकी स्किन को स्मूथ बनाने वाली वो औषधि है जिसका निर्माण संस्थान के उच्च शिक्षित आयुर्वेदाचार्यों ने वर्षों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद किया है। आयुर्वेद की 21 विशेष जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनी ये डर्मा जड़ी औषधि किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को जड़ से मिटा देती है और आपके चेहरे की खो चुकी हंसी फिर से लौटा लाती है। फंगल इन्फेक्शन दरअसल कई प्रकार के होते हैं। टीनिया वर्सिकॉलर, जॉक एच, टीनिया पेडिस, रिंगवर्म, टीनिया कैपिटिस और ओनिकोमाइकोसिस। नॉर्मली जब इन फंगल इन्फेक्शन का इलाज कराना होता है तो हम रासायनिक इलाज यानी केमिकल्स की ओर देखने लगते हैं, लेकिन शायद आपको पता ना हो कि केमिकल से किया गया इलाज आपके लिए एक शारीरिक तकलीफ से गुजरने वाला प्रोसेस है। इस तरह की मुश्किल प्रोसेस को देखते हुए हमारे संस्थान ने एक ऐसा आसान फॉर्मूला तैयार किया है जिसे एक ही औषधि से सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन का इलाज हो जाता है और उस औषधि को हमने नाम दिया है डर्मा जड़ी। मैं तो सोचती थी कि मुझे जो खुजली पेट और थाइस के बीच के हिस्से में हो रही है वो ऐसे ही मौसमी है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। इनको भी बताया मैंने तो इन्होंने मुझे नॉर्मल सी क्रीम वगैरह लाकर दे दिया था, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि खुजली और बढ़ गई और धीरे धीरे घाव का रूप लेने लगी। वो तो डॉक्टर को दिखलाने पर मुझे पता चला कि मुझे जोक एच नाम का एक फंगल इन्फेक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने उस हिस्से को ज्यादा से ज्यादा सूखा रखना होगा। इतनी परेशान हो गई थी मैं इस इन्फेक्शन और इस खुजली से कि कभी कभी लगता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊं। लेकिन जब टीवी पर मैंने डर्मा जड़ी के बारे में देखा और ठीक हुए मरीजों के अनुभव जाने, तब मुझे लगा कि ये चीज मेरी जिंदगी बदल सकती है। इसके इस्तेमाल के सिर्फ 15 दिनों में मैं जो कीच से मुक्त हो चुकी थी और आज करीब 1 साल होने को आया है और मुझे फिर से जो कीच नहीं हुआ। गुप्तांगों और जांघों के बीच पनपने वाला यह इन्फेक्शन जब भी खुजली में परिवर्तित होता है तो आपका हाथ बार बार आपके गुप्तांगों की तरफ जाता है और अक्सर देखने में आया है कि लोगों के बीच जब आप उसे खुजलाते हैं तो शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं और फिर आप उनके बीच हंसी और मजाक का पात्र बन जाते हैं। तब आप खुद को मॉरली डाउन महसूस करते हैं और फिर आपके व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में एक कमी सी आने लगती है जो समय के साथ बढ़ती ही जाती है। इसीलिए हमारे संस्थान के प्रशिक्षित और विद्वान वेदाचार्यों की खोज डर्मा जड़ी इस खुजली, इस इन्फेक्शन को खत्म करने में बेहतरीन तरीके से काम करती है और बीमारी को जड़ से समाप्त कर आपका जीवन सुखमय बना देती है। इसकी कीमत है 1490 रूपए और आपको कुरियर द्वारा भेजने की राशि है 290 रूपए, जो अलग से ली जाती है।
तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर अभी कॉल करके डर्माझड़ी का अपना ऑर्डर बुक करें।